हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वैम्पायर वर्ल्ड का पार्ट लेके आई हूँ गाइस। शायद आज ये पार्ट ख़त्म हो जाए तो मैं आपको एंड में बता दूंगी अगर ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो। शुरुआत होती है कि हमारा विंग बहुत सहम जाता है जब सोंगलेन की डेथ होती है और मिंग्याओ की भी डेथ होती है। उसका बेटा अब 1.5 साल का हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ वो पैदा हुआ था। वो हवा में उड़ सकता था और ढेरों ऐसी चीज़ें कर सकता था। उसके वैम्पायर वाले दांत थे, फैंग थे और उसके अंदर बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ थी। जब भी वो अपने फादर को देखता था उसके चेहरे पे, यानी कि अपने ओमेगा फादर विंग को देख के उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आया करती थी, ताकि जिससे विंग को भी सूदिंग महसूस हो। और जब वो वांगजी को देखता था तो वो बच्चा अक्सर वांगजी को देखते ही उसकी बाहों में आते ही सो जाया करता था, क्योंकि उसे वांगजी का सेंट काफ़ी अच्छा लगता था, जो कि हमारा सैंडलवुड सेंट था। विंग को भी वांगजी के सेंट की आदत हो गई थी। वो लोग अब अपनी यूनिवर्सिटी को बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर और भी ज़्यादा अब स्टूडेंट ना आए। इन्होंने बहुत टाइम बाद ही ये यूनिवर्सिटी खोली थी और ये 1 साल नहीं चाहते थे यहाँ पर कोई इंसान आए और वो भी लेन युआन को देख ले, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, क्रिएट हो सकती थी। तो वो लेन युआन की सेफ्टी के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को बंद करके अब एक बिजनेस रन करना चाहते थे। और यहाँ पर ये लोग यहाँ से दूर नहीं जा सकते थे, बिकॉज जो वैम्पायर होते हैं उनकी स्किन चमकने लगती है धूप में जाते ही। ऐसे ही सारे पास आउट होते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं। मिंग्याओ की जो डेथ होती है उसका रहस्य बन के रह जाता है। और सोंगलेन भी कहाँ गया, कैसे मरा, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चलता। बस ये पता चलता है कि कोई लव अफेयर था और कास्टिज्म या रिलीजन के ऊपर उन लोगों को मार दिया जाता है। ये इस तरह से एक अफवाह, एक रूमर उड़ता है। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जंगछा आज भी लेन शिचेन को मिस किया करता था, लेकिन जो 1.5 साल पहले हुए उनके ब्रेकअप को वो कभी नहीं भूल सकता था। जब उसे लेन शिचेन के बारे में पता चला था, वो लेन शिचेन को रोज़ देखकर मन में सोचा करता था, ये इंसान वैम्पायर कैसे हो सकता है, ये इतना शांत है, काम है। वांगजी फिर भी स्माइललेस फेस वाला इंसान हुआ करता था, बहुत शांत इंसान हुआ करता था, लेकिन जेवजुन के चेहरे पर जो स्माइल होती थी वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाहट के साथ हुआ करती थी। वो बहुत कंपोज़र वाले इंसान थे, बहुत शांत, बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हुआ करते थे। तो जंगछा के मन में कहीं ना कहीं ये आया करता था कि इतना शांत, इतना भोला, इतना प्यारा इंसान कैसे एक वैम्पायर हो सकता है, और क्या मजबूरी रही होगी कि वो इंसान एक वैम्पायर बन गया। यहाँ जंगछा का दिल बहुत ही ज़्यादा रोया करता था। वो एक डायरी लिखना शुरू कर चुका था जिसमें वो अपनी डेली एक्टिविटी लिखा करता था, और वो अक्सर उसमें जेवजुन की स्केचिंग भी किया करता था। जेवजुन ने उसे कितनी बार दिन में मिले, कितनी बार वो उससे टकराए और कितनी बार उन दोनों के बीच में बातें हुई, वो हर चीज़ यहाँ पर मेंशन किया करता था। उसे बहुत दुख लगा करता था कि वो जेवजुन को अपना नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो मिस्टीरियस है, और वो अपनी बुक में उनके वैम्पायर होने के बारे में किस्से में नहीं लिख सकता था कि कभी किसी के हाथ में लग गई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वो उसमें उनकी आइडेंटिटी को मिस्टीरियस लिखा करता था। वो बहुत प्यार करता था, लेकिन दिन ही दिन जब भी वो लेन शिचेन को देखता था उसके मन में एक डर आ जाता था कि वैम्पायर है, मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, मेरे क्लैन को भी। उसे कहीं ना कहीं हकीकत पता चल गई थी सोंगलेन और मिंग्याओ की डेथ की भी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है और अगर उसके पेरेंट्स ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके पेरेंट्स और उसकी पूरी जियांग फैमिली को मार दिया जाएगा। तो इस डर से वो कभी लेन शिचेन के करीब भी नहीं जाता था। उसे बहुत दुख लगता था और कॉलेज छोड़ने के बाद उसके हाल बेहाल हो चुके थे। उसे ना तो नींद आती थी ना उसे चैन आता था। यहाँ पर वेनिंग और जो हमारे न्यू होसंग होते हैं वो भी एक छोटी सी सेरेमनी रखते हैं अपनी शादी के लिए, और यहाँ शिजे की भी जिनजुशिन के साथ शादी तय हो जाती है। वेंचिंग और म्यम्या एक साथ लिविंग रिलेशनशिप के लिए मूव ऑन कर जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर वेंसेक्ट में जाने के बाद अपना हिस्सा वेंचिंग और वेनिंग ले लेते हैं, जिसके बाद उनके हिस्से का जो वैली होती है वो उन्हें मिल जाती है, जिस जहाँ पर वो लोग खेतीबाड़ी कर और बहुत सारी हर्ब्स उगा कर, जो कि मेडिसिनल हेल्प भी मिल सकती है उन्हें, वो फार्मेसी का काम वहाँ पर शुरू कर देते हैं। और उनका फार्मेसी का काम अच्छा जाता है, जिसमें उनकी जो हेल्प होती है वो म्यम्या भी कर रही होती है। यहाँ पर नी हुए सिंह भी चिंगे
से वेंडिंग के साथ आकर उसके काम में, उसके बिजनेस में हाथ बटाने लग जाता है। और उसके ब्रदर को नी मिंजू, जो कि एक अल्फा था, उन्हें पता था कि उनका ब्रदर कहीं ना कहीं वेंडिंग को पसंद करता है। और वेंडिंग का अच्छा खासा काम देखकर, वेंचिंग का भी अच्छा खासा काम देखकर, उन लोगों को ऑब्जेक्शन भी नहीं था कि अपने घर आने से वेन घराने में शादी करने की नी हुसैन की। यहाँ पर जो हमारा जिन सेक्ट होता है उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो लोग रिश्ता लेके जियांग यानली के घर आते हैं और उन लोगों की शादी तय कर दी जाती है, जो कि अब एक महीने बाद होने वाली थी। और एक महीने के 10 दिन बाद, या आप लगा लें हफ्ता बाद ही वेंडिंग और हमारे नी हुसैन की शादी भी मुकर्रर हो जाती है। वेंचिंग शादी नहीं चाहती थी, लेकिन वो और मेम्मा लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते थे ताकि वो लोग आगे भी अपने बिजनेस को भी संभाल सकें, अपने करियर को भी संभाल सकें। और वो अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहते थे, वो पहले वर्ल्ड घूमना चाहते थे, उनके डिज़ायर्स अलग थे। यहाँ पर विंग को जब अपनी शिजे की शादी का खत मिलता है, वो बहुत खुश होता है, उसे मैसेज आता है, उसे फ़ोन भी आता है, जियांग फेंगम्या उसे इनवाइट करते हैं। लेकिन वहीं पे जंगचा बैठा होता है जब वो सुनता है कि उसके फादर उसके ब्रदर को इनवाइट कर रहे हैं, जो कि एक वैम्पायर है। उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है कि उसके पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता विंग की आइडेंटिटी अब ह्यूमन से वैम्पायर में बदल चुकी है। उसे बहुत दुख लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को सच नहीं बता सकता और उनसे सच छुपा रहा है। उसे मन ही मन दुख तो लगता है, लेकिन वो अपने ब्रदर को भी मौत के मुँह नहीं पहुँचा सकता था, जैसे मेंगियाओ पहुँच गया था या फिर सोंगलैन पहुँच चुका था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। वो मन ही मन जानता था कि एक जगह से, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में बंदे का बदलना, और अगर वो अपनी मर्जी के खिलाफ बदल रहा है तो कितना खतरनाक हो सकता है। इवन वो अपनी मर्जी के साथ भी बदल रहा है, जिस तरह से विंग ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ना किए बिना ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, वो खुश था क्योंकि उसकी अर्जेंसी वाली सिचुएशन थी। लेकिन अगर एक ह्यूमन बिना इन्फॉर्म किए सब चीज़ें बदलेगा, उसकी फैमिली को ऑब्जेक्शन होगा। विंग के पास कोई फैमिली भी नहीं थी, उसके ये लोग जो थे वो अडॉप्टिव फैमिली वाले थे, फॉस्टर फैमिली वाले थे, लेकिन विंग की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो इसलिए विंग के बारे में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कभी भी मैडम यू चंगछा को परमिशन नहीं देगी कि वो वैम्पायर बन जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ करता था जंगचा को, क्योंकि वो मन ही मन बहुत पसंद करता था हमारे लेन शिचेन को। लेन शिचेन का भी हाल यहाँ पर बहुत बुरा होता था। वो अक्सर अपने हाथों से एक बहुत प्यारी सी पोर्ट्रे बना के रखते हैं, जो कि जियांग चंग की होती है, और वो जंगचा की चंग जो पोर्ट्रे होती है उसे अक्सर देखा करते थे, उसकी स्माइल को मिस किया करते थे। उनकी लाइफ वर्क प्रोफाइल में बहुत बिजी हो गई थी। उनका हाथ जो है अब जो हमारा जो हमारा लवांगची है वो बटाने लगा था। शू यांग और शाओ शन चेंग भी उस कंपनी में काफ़ी उनकी मदद करते थे, हर चीज़ के बारे में केयर टेक करनी, और उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने संभाल लिए थे। विंग भी वहाँ पर काम के लिए आया करता था, लेकिन वो अपना ज़्यादा टाइम अपने बीबी को भी दिया करता था। वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए विज़िट करता था, क्योंकि उनका ऑफिस घर से बहुत पास हुआ करता था, तो वो 2 घंटे की विज़िट सुबह और 2 घंटे की विज़िट शाम को कर लिया करता था। उन्होंने बारी बारी से विंग या फिर शाओ शेंचेंग बेबी के पास रोका करते थे, बेबी लेन शिजुई के पास, ताकि वो उसकी केयर टेक कर सकें। हमारे शाओ शेंचेंग के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो विंग के बेबी को ही अपना बेबी समझता था। विंग भी अपने बेबी को बिल्कुल बहुत प्यार से रखा करता था। शू यांग भले ही लेन सिजुई का अंकल था, लेकिन उसे लेन सिजुई से बहुत प्यार था, बहुत अटैचमेंट थी, और वो उस बच्चे को अपना ही बच्चा समझा करता था, क्योंकि वो जानता था वैम्पायर होने के बाद वो बेबी को जन्म नहीं दे सकते। और इन लोगों का जो हमारे वांगशन है, इनका केस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, या फिर प्रकृति के खिलाफ जाकर ये चीज़ हुई, शायद इसमें प्रकृति की मंजूरी ही थी जो ये चीज़ हो गई। तो वो काफ़ी खुश हुआ करता था। ये लोग अपना टाइम बहुत अच्छे से बिता रहे थे। जब शिजे की शादी का विंग को पता चलता है, उसकी आंखों से आंसू छूट जाते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका था और वो धूप में नहीं जा सकता था, क्योंकि धूप में जाने से इनकी स्किन चमकती थी। और यहाँ पर इसे ये भी पता चलता है कि वेंडिंग भी शादी कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा दोस्त होता था हमारे विभूषण का, और बचपन से उनके दोस्त थे। इसने यहाँ पर लेन सिजुई को भी पाला हुआ था और बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा हुआ था। यहाँ पर वेन युआन भी काफ़ी बड़ा हो गया था। गाइस, लेन शिजुई और लेन युआन जो है वो बेबी है हमारे विभूषण का, और जो वेन युआन है, लेन युआन और लेन शिजुई विंग के वांगशन के बेबी है, और वेन युआन जो है वो हमारे वेनिंग वेंचिंग का ब्रदर है, कज़न ब्रदर।
जिसे विंग ने एज अ अडॉप्टिव ब्रदर कह लो, फैमिली कह लो, पाला हुआ था, वो बहुत मिस करा करता था अपनी उस फैमिली को भी. जंगछा, जंगछा और जंगछा के फादर अंकल जियांग फेंग मियां, सबको वो बहुत मिस किया करता था. और वो अपनी शिजे को भी बहुत मिस करता था. वो जानता था कि अगर वो लोग धूप वाले इलाके में जाएंगे तो वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धूप में जाने से ही इन लोगों की स्किन चमकती थी और इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी. लेकिन विंग की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं जब वो देखता है कि शिजे लव मैरिज करने जा रही है और वो उनकी शादी में नहीं जा पाएगा. वहाँ पर विंग को बहुत बुरा लगता है. उसकी आंखों से आंसू जब टपक रहे होते हैं तो छोटा सा जो हमारा लेन शिजू होता है वो अपने फादर की आंखों के आंसू को पोंछता है और उसे एक स्माइलिंग फेस के साथ उसकी चीक्स पे किस करता है और पूछता है, बाबा. वो इशारों में पूछता है, क्या हुआ? तो वो अपने बेबी के दोनों हाथों को पकड़ के किस करता है और कहता है, कुछ नहीं बाबा, को शेजे की याद आ रही है. जैसे तुम्हारा ख्याल बाबा रखते हैं ना और अंकल शाओशनचिंग रखते हैं, ऐसे ही तुम्हारे बाबा का ख्याल शिजे रखा करती थी. शिजे शादी करने जा रही हैं और मैं उनकी शादी में नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग बहुत स्पेशल हैं. हम लोग AUN जैसे बहुत स्पेशल बेबी है ना, ऐसे ही मैं भी बहुत स्पेशल हूँ और हम वहाँ नहीं जा सकते. तो वो पूछता है इशारों में छोटा सा लेन युआन कि क्या हुआ? तो वो बोलते हैं, जैसे आपके बाबा वांगजी बाबा जो हैं वैम्पायर हैं, आपके विंग बाबा भी वैम्पायर हैं, ऐसे ही AUN बहुत स्पेशल है. लेकिन बाहर का वर्ल्ड हमारी स्पेशल दुनिया को नहीं समझता. उन्हें लगता है कि हम उन्हें नफरत करते हैं और उन्हें मार सकते हैं, इसलिए हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा. AUN, जब तुम बड़े होगे ना तो तुम सब समझ जाओगे. उसका बेबी उसे देख के काफ़ी खिलखिला रहा होता है और विंग उसके चीक्स पे अपने आंसू को पोंछते हुए किस करता है और कहता है, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी उस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो. लेन शिजुई, तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो. और वो अपने बच्चे को गले लगाता है. उस पूरे दिन वी विजयन का मूड इतना अपसेट होता है. लवांगची घर आता है, वो अपने प्यारे से ओमेगा हस्बैंड को पीछे से हक करता है और उसकी नेक पे किस करता है. पर विंग, जिसकी आंखें रो रो के सूज चुकी थी और उसके दिल में कोई इमोशंस नहीं थे, इसे देख के वांगजी डर जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए पूछता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं. और वो एक फेक स्माइल देते हुए काम करने लगता है. तो वांगजी फिर से पूछता है, विंग बताओ ना क्या हुआ? विंग की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं. तो वांगजी उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, किसी ने कुछ कहा अंकल ने, या फिर शुयंग ने कोई मजाक किया, या फिर कहीं हमारा बेबी तो बीमार नहीं? विंग कहता है, नहीं सब ठीक है. बस वो आज मुझे शिजे की शादी की न्यूज़ पता चली और सच बताऊँ तो मैं सबको बहुत मिस कर रहा हूँ. तो वांगजी कहता है, तुम जाके उनसे मिल आओ. विंग कहता है, अब समर सीज़न चल रहा है और तुम जानते हो कि हम धूप में नहीं जा सकते. यहाँ पर गुसू में कितनी ठंड रहती है, धूप भी नहीं आती, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं. और वहाँ पर अगर हम गए तो तुम जानते हो कि सबको हमारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी. और जो हाल सोंगलैन का हुआ, मैं नहीं चाहता वो तुम्हारा, मेरा या मेरी वजह से किसी और का हो. वांगजी कहता है, तुम लेन युआन को ले जाओ. तुम्हारे अंकल भी इससे नहीं मिले हैं और तुम्हारे शिजे भी नहीं, तुम्हारे दोस्त भी नहीं. और जंगछा को तो तुमने सब बता ही दिया है, तो वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा. विंग अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है कि सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं हुआ. मिंग्याओ की डेथ के बाद सब सहम गए हैं. उन लोगों को अभी सच्चाई नहीं पता कि मिंग्याओ कैसे मरा और सोंगलैन के साथ क्या किया गया. मुझे डर लगता है अगर मैं वहाँ गया, किसी को हमारी आइडेंटिटी पता चली तो क्या होगा. तो वांगजी विंग को कहता है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा. तुम बच्चे को अक्सर क्रेडल में रखना, यानी कि जो झूला आता है उसमें, तो अगर हमारा बेबी हवा में नहीं उड़ेगा तो उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा. और तुम अपने चेहरे को ढक कर रखना किसी नकाब में, ताकि तुम उन्हें कह सको कि तुम्हें स्किन का इन्फेक्शन हुआ है, स्किन बर्न हो जाती है तुम्हारी, इसलिए तुम इस तरह से खुद को ढके हुए रखे हुए हो. विंग कहता है, नहीं ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपनी शिजे को मिस कर रहा हूँ. वो रोते रोते लवांगची को हक कर लेता है और लवांगची की बाहों में से मिट जाता है. लवांगची भी समझता था अपनों से दूर होकर कैसा लगता है. जब उसने पहली बार विंग को खोया था तो उसके हालत क्या थे. अपनी फैमिली को खोना कितना डरावना एहसास होता है और वो ये बात जानता था. वो विंग को नहीं रोकना चाहता था, लेकिन विंग
विंग अपनी फैमिली, अपनी शिजे से कितना अटैच था। वांग जी इस चीज़ की कीमत जानता था। वो जानता था कि विंग अपनी शिजे से कितना प्यार करता है, जिस तरह से वांग जी भी अपने ब्रदर से यानी कि जिवजुन से इतना प्यार किया करता है। अगर उसे कभी जिवजुन से अलग होना पड़े, वो तो ये सोच भी नहीं सकता था वांग जी। तो वो कैसे विंग को अपनी शिजे से दूर कर सकता है जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। तो वांग जी उसे हिम्मत देता है और कहता है तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। हम लोग जो हैं वो लेनी से कुछ दवाइयाँ ले लेंगे ताकि हम लोगों का जो हमारे अंदर का जो वैम्पायरपन है वो किसी को भी रिफ्लेक्ट ना हो और हम सब चीज़ों से बचे रहें। मैं लेनी और लेन एन से बात करता हूँ, अगर कोई ऐसी दवा हो जिससे हम लोगों की आइडेंटिटी रिवील ना हो तो हम लोग वहाँ चलेंगे। और तुम अपनी शिजे से भी मिलना, उनसे ढेर सारी बातें करना, अपने ब्रदर से भी। विंग कहता है क्या तुम्हें दुख नहीं लगता मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ब्रदर को वैम्पायर होने की वजह से छोड़ दिया। तो वांग जी कहता है सबकी अपनी अपनी सोच होती है विंग, अगर वो कुछ सोच के ही उसने छोड़ा होगा, वरना तुम्हारे ब्रदर की हालत भी मैंने देखी है। वो अक्सर मेरे ब्रदर को देखता रहता था और मेरे ब्रदर से, मैं जानता हूँ वो मेरे ब्रदर को कितना पसंद करता था, लेकिन अगर उनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा तो हम डेस्टिनी को पुश नहीं कर सकते। अगर उनकी किस्मत में एक होना लिखा होगा तो वो हो जाएंगे विंग, जैसे तुम और मैं हुए हैं। तुम भी पिछले जन्म में मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन इस जन्म में देखो तुम मेरे साथ हो। और अगर उनकी किस्मत में मिलना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और अगर उनकी किस्मत एक नहीं है तो हम कितना भी फोर्स कर ले वो साथ नहीं रह पाएंगे। विंग ये चीज़ समझता था और विंग नोट करता है। फिर वो लोग जाने के लिए प्लान करते हैं। जब वो जाने के लिए प्लान करते हैं तो विंग फिर भी डरा हुआ था कि वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जिससे उसके पूरे ख़ानदान पर बात आ जाए। विंग जो है वो काफ़ी सहम जाता है और उसके बाद वो बहुत डर जाता है। विंग जो है वो युनमक जाने की तैयारी करता है और उसके बाद वहाँ से वो वेनसेक भी जाना चाहता था, जहाँ से वो अपने दोस्त वेनिंग और नीहोजिंग की शादी में जा सके। ये लोग पूरी तैयारी करते हैं। विंग काफ़ी सारे गिफ्ट्स अपनी शिजे और उस पीकॉक के लिए लेता है। वो काफ़ी खुश था अपनी शिजे को ऐसे देखकर, क्योंकि शिजे को भी फाइनली उनका प्यार मिल रहा था। और किसी को इस दुनिया में उसका प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार कोई छोटी चीज़ नहीं होती गाइस, प्यार पे ही ये पूरी दुनिया की जो संरचना है वो हुई हुई है। और दुनिया जो है वो प्यार, फेथ, ट्रस्ट इसी पे कायम है। अगर हमें किसी से प्यार नहीं होगा, किसी पे फेथ नहीं होगा, तो हम किसी रिलेशन को बिल्डअप नहीं कर सकते। और विंग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता था। वो अपनी शिजे के लिए काफ़ी सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट गिफ्ट लेता है और उनके आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि इन लोगों में आने वाले टाइम में बेबी बर्थ के लिए भी एक आधा ब्लेसिंग के नाम पे गिफ्ट दिया जाता था। तो वो ये भी तैयारी करता है। यहाँ पर वो AU1 को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है कि AU1 वहाँ जाके तुमने मस्ती नहीं करनी और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे बाबा को तकलीफ़ हो। AU1 बहुत ही क्यूट सा बेबी था और वो विंग को देख के काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। विंग कहता है तुम बहुत मोटी हो गए हो A1, देखो कैसे कैसे तुम क्यूट सी स्माइल करते हो और भोला बन के दिखाते हो। लेकिन वहाँ याद रखना, जो तुम्हारे अंकल जियांग हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और वो तुम्हें डांट देंगे अगर तुम ऐसे ही नोटी बच्चे बन के रहे। A1 अपने पापा की बातें सुन के, अपने फादर ओमेगा की बातें सुन के काफ़ी हंस रहा होता है और विंग उसके साथ नोटी से खेल रहा होता है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चे के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया करता था। उसे काफ़ी मज़ा आता था A1 से बातें करते करते, पैकिंग करना, घर के काम करना। वो A1 को हर टाइम किस करता रहता था, अपनी गोदी में उठा के उसके साथ मस्ती करता रहता था। और A1 काफ़ी समझदार था। वो कभी कभी A1 को डांट देता था तो A1 मुँह बना लेता था और वो वांग जी के आने तक मुंह बनाए रखता था, क्योंकि उसे पता था वांग जी आने के बाद वांग जी उसे बहुत ज़्यादा कडलिंग प्यार और उसे बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखता है। तो A1 जो है वो वांग जी के आने के बाद अपने ओमेगा फादर को दूर होकर वांग जी के ही चिपक जाया करता था। और विंग अक्सर कहा करता था तुम एक ट्रेटर हो, तुम अपने अल्फा फादर के आने के बाद तुम अपने ओमेगा फादर को भूल जाते हो, तुम बहुत बुरे हो A1। A1 अक्सर उसे जीप चढ़ा दिया करता था और विंग इसे देख के हंसता था, क्योंकि उसे पता था उसका बच्चा उसके साथ मस्ती कर रहा है। और विंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस तरह की मस्ती से, क्योंकि वो जानता था उसके बच्चे के लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके बच्चे के लिए
विंग सब कुछ है, विंग उसके बच्चे की ज़िंदगी है और उसके बच्चे के लिए सब कुछ इस वक्त जो भी है वो विंग है। विंग को काफ़ी अच्छा लगने लगा था A1 के साथ मिलना, और अब वो पैकिंग भी कर रहा था। A1 को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आगे चल के हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, और A1 जो है वो सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेता है, क्योंकि A1 की मेमोरी काफ़ी अच्छी थी। वो बहुत क्यूट, शांत, प्यारा बच्चा था जिसे लेंसेक्ट में हर कोई प्यार करता था। ये लोग आगे निकल पड़ते हैं। उसके बाद जो हमारे लेन्युआन होता है उसे गोदी में उठाकर विंग जो है वांगजी के साथ आगे के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वांगजी उसे कहता है कि विंग बस तुम अपने चेहरे को ढक के रखना, उन्हें लेन्युआन को और उन दोनों को हर चीज़ के लिए मेडिसिन भी मिल जाती हैं ताकि ये लोग अपने आप को, अपने वैम्पायरपन को कंट्रोल में रखें। और वांगजी जो है उन मेडिसिन को उन तीनों को खिला देता है, उनके कोई इल इफेक्ट नहीं होते। विंग काफ़ी खुश था, एक्साइटेड था अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, और वो बहुत सुपर 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 डुपर एक्साइटेड होता है। वो ट्रेन से युनमक जाता है और वो अपनी बॉडी को सन से कवर करके रखता है। वो अक्सर हुडी वगैरह पहन के रखता था और अपने फेस को मास्क से ढक के रखता था और चश्मा भी आंखों पे लगा के रखता था, जिससे जो हीट है वो उसकी बॉडी को, उसकी चमड़ी को कहीं हार्म ना कर दे। वो अपनी फैमिली से मिलता है और घर में पहुंचता है। घर में वो लोग जैसे ही पहुंचते हैं वो अंकल से, शिजे से मिलते हैं, और पहली बार जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो सेकेंड टाइम ऑफिशियली वांगजी से मिल रहे होते हैं, लेकिन पहली बार वांगजी उनके घर आया होता है। उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, वो लोग काफ़ी टाइम साथ में बिताते हैं, और वो शिजे को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिखाता है जो उनकी शादी के लिए वो लेके आया हुआ था, और वो शिजे को वो सारे गिफ्ट्स हैंड ओवर कर देता है। शिजे भी काफ़ी इमोशनल और बहुत खुश महसूस कर रही होती हैं। धीरे धीरे दिन आता है। यहाँ पर जो जंगचा था उसकी निगाहें बस बाहर टिकी हुई थी कि शायद जवजुन भी यहाँ शादी में, उसकी सिस्टर की शादी में आए हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिवजुन नहीं आते क्योंकि जिवजुन कोई भी इंसानी दुनिया के इंसान से मतलब नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे प्यार कितना दर्द देता है, और वो ना ही खुद को तकलीफ़ देना चाहते थे और ना ही अब वो विंग को या फिर उसकी फैमिली के किसी भी मेम्बर को या जंगशा को तकलीफ़ देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी अब पॉसिबल नहीं है। वो दोनों अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर शादी में उनके घर नी हुए सिंह, उसके ब्रदर नी मिंगजो, और तो और यहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं। धीरे धीरे वेन सेक्ट के लोग आते हैं, वेनिंग और हमारा वेंचिंग मम्या, ये सारे आते हैं। खूब मज़ा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, डांस गाना होता है, वक्त साथ बिताना होता है, और वो लोग खूब टाइम को इन्जॉय करते हैं। और देखते देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी जो थी वो विंग कहता है कि हमें शादी चर्च में रख के खाना रात के टाइम रखना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम अक्सर लोग फ्री होते हैं। एक्चुअली विंग ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा था क्योंकि विंग बाहर जा नहीं सकता था, और जंगचा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो शादी थी वो हॉल में ना रखवा, सॉरी खुले में ना रखवा कर पूरे हॉल में रखता है, जहाँ पर विंग को कोई तकलीफ़ ना हो और वो बिना मास्क और हर चीज़ के घूम सके। यहाँ पर विंग अक्सर अपने बच्चे को अपने पास ही रखा करता था ताकि कोई भी विंग के बच्चे को हार्म ना पहुँचा दे। और शादी वाले दिन वो उसकी ऊट से बेबी का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। विंग काफ़ी खुश होता है जब उसकी शिजे वाइट कलर की ड्रेस में एकदम क्वीन की तरह लग रही होती हैं और जब आती हैं, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और विंग भी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था अपनी शिजे को देख के। वो शिजे को बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ जो है दूल्हे के पास वो और हमारा जंगचा और उनके फादर छोड़ के आते हैं, और वहाँ शिजे अपनी शादी की वाउस लेती हैं। शिजे की शादी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद एक फीस शुरू होता है जहाँ पर वो लोग खाने पीने नाच गाने का इंतज़ाम कर रहे थे। जंगचा मिस कर रहा था वहाँ पर हमारे जिवजुन को, लेकिन उससे मिलने तब नीमिंगजू आता है। नीमिंगजू खुद को इंट्रोड्यूस करता है जंगचा से। जंगचा पहले तो नी मिंगजू की तरफ ध्यान नहीं देता, फिर वो नी मिंगजू के कोल्ड नेचर को देखकर उसे बिल्कुल वांगजी का नेचर याद आता है कि ये तो बिल्कुल वांगजी जैसा है। उसे कहीं भी पूरी शादी में भी लंच अटेंड जैसा कोई भी स्माइलिंग फेस नहीं दिखता, बल्कि ये अकड़ू नी मिंगजू जैसा दिख रहा होता है। नी मिंगजू को जंगचा पहली नज़र में बहुत स्टूपिड सा लग रहा होता है, लेकिन जंगचा की नॉलेज और उसके प्रोफेशन, उसके वर्क को देख के वो काफ़ी इम्प्रेसिव होते हैं, और वो जंगचा को वहाँ पर अनऑफिशियली डेट के लिए पूछ लेते हैं। तभी
जो हमारा जंगचा होता है वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी थी, तो वो नी मिंगजू को इनडायरेक्टली हाँ कर देता है। और यहाँ पर कुछ दिन बाद उसे पता था कि चिशान सेक्ट में वहाँ पर सॉरी चिंगे सेक्ट में न्यू हजिंग की भी शादी रखी जाएगी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड था। न्यू मिंगजू से उसे मिलने का मौका मिलेगा। वो लैन शिचेन को भूल तो नहीं पाया था, लेकिन वो जानता था कि वो वैम्पायर वर्ल्ड में नहीं जा सकता। वो वी वुशियान जितना बोल्ड नहीं है और वो वी वुशियान जैसा नहीं है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, और वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता था, तो इसलिए वो आगे बढ़ने की सोचता है। यहाँ पर लैन शिचेन बहुत बुरा फील कर रहे थे। विंग उन्हें अक्सर वांगची के फ़ोन से सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके भेज रहा था, जिस रिकॉर्डिंग में वहाँ पर जंगचा भी आ गया था। लैन शिचेन का दिल बहुत ही दुखता है कि एक मजबूरी के तहत बहुत पहले वो वैम्पायर बन गए थे और उन्होंने इंसानी दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं रखा था, लेकिन आज उन्हें बहुत दुख होता है कि काश वो टाइम के साथ ही बूढ़े होकर ख़त्म हो गए होते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इस तरह से बिना ज़िंदगी के, बिना पार्टनर के लाइफ बहुत अधूरी होती है। और उन्हें उस कमी का एहसास तब होने लगा जब वो वांगची और वींग को अपनी पूरी प्रॉपर फैमिली के साथ खोज देखने लगे। हर एक के पास पार्टनर था, लेकिन उनके अंकल और लैन शिचेन काफ़ी अकेले पड़ गए थे इस वैम्पायर दुनिया में, और वो अब कहीं ना कहीं अपनी विल पावर को खो रहे थे जो उनकी ज़िंदगी की थी, क्योंकि वो बहुत अरसा जी चुके थे। अब उनका जीने का मन नहीं करता था, वो अपने ब्रदर को बस प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उनका दिल खोखला और खाली हो चुका था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो विंग और अपनी पूरी फैमिली के साथ बिताता है। बस वो अपने बच्चे पे नज़र रखा हुआ था कि कोई वो ऐसी एक्टिविटी ना कर दे। वो अपने बच्चे को जो है वो एक क्रेडल के साथ बांध के रखता है, मतलब उसे प्रॉपर ऐसे बांध के रखता है कि जो उसका बच्चा है ना वो हवा में ना उड़े और सारे लोग उसे देख के डर ना जाएं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर वापस आते हैं, शादी का फीस्ट ख़त्म होता है, वो लोग घर आते हैं और रुकते हैं युनमक में ही लोटस स्पायर के अंदर। और उसके बाद वो लोग कुछ टाइम बाद वेंचिंग के यहाँ निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनके साथ मिलते हुए चिंगे में शादी के लिए जाने वाले थे। विंग जो है वो अपनी पूरी बॉडी को काले रंग के मास्क, काले रंग के कवर से ढक के रखता है और लंजा भी, और वो बताते हैं कि वो लोग ठंड के इलाके से आए हैं ना, तो यहाँ की धूप उनकी स्किन पे इल इफ़ेक्ट छोड़ सकती है, इसलिए वो सारे के सारे ऐसे ही रहते थे। विंग जो है वो अपनी बेबी को अक्सर उसके झूले से बांध के ही रखता था ताकि वो उड़े ना और किसी को भी शौक ना लगे। वो लोग फिर चिंगे में न्यू हसेंग की शादी को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। न्यू हसेंग ने काफ़ी अच्छा चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी शादी की तैयारी की हुई थी, और उसके ब्रदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी न्यू हसेंग की शादी करने के लिए, क्योंकि न्यू हसेंग भी अब 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था, और वो हमारे जो वेंडिंग था उसके साथ काफ़ी खुश था। वो दोनों शादी का तय कर लेते हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो काफ़ी खुश थे। दोनों एक ने वाइट कलर के सूट पहना होता है, 3-पीस सूट जो कि वेंडिंग होता है, और सॉरी ब्लैक कलर का 3-पीस सूट वेंडिंग ने पहना होता है और वाइट कलर का हमारा न्यू हसेंग ने पहना होता है। ब्राइडल ड्रेस तो वो पहन नहीं सकता था, तो वो वाइट रंग का 3-पीस सूट पहनता है और शादी के वॉक्स लेते हैं। वहाँ पर अचानक से वेंचाओ आता है जिसे विंग का बेबी बहुत क्यूट लगता है, और विंग के बेबी के साथ यहाँ पर वेन युआन भी खेल रहा होता है। वो लैन युआन को कहता है, तुम्हारा नाम भी युआन है और मेरा नाम भी युआन है, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर का सबसे फेवरेट किड मैं हुआ करता था, लेकिन जब से तुम आए हो तब से एशियन ब्रदर मुझे देखते भी नहीं। तब उसकी चीक्स पुल करते हुए विंग कहता है, शैतान तुम मेरे बच्चे को क्या बता रहे हो, तुम चाहते हो मेरा बच्चा जलस करे। माना कि लैन फैमिली के लोग जल्दी से जलस हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे को इस तरह से चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत शैतान हो गए हो। वेन युआन जो है वो गलती से जो विंग का बच्चा होता है ना, जब शादी की सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, खाना चल रहा होता है, तब विंग के बच्चे की क्रेडल में से उसे खोल देता है और उसे अपने पास रखता है, उस झूले में से निकाल के उसे अपनी गोद में ले रहा होता है। तभी विंग का जो बेबी होता है ना, जैसे ही उसे उस झूले से खोला जाता है वो हवा में उड़ जाता है, और जैसे ही वो हवा में उड़ता है तो इसे देखने के बाद सारे के सारे डर जाते हैं। विंग फटाफट जाके उस बच्चे को उठा लेता है और वांग जी भी किसी की नज़र उन पर ना जाए, लेकिन उनकी नज़र ऐसे पहले किसी चीज़ पर जाती कि वहाँ पर एक वेयरवुल्फ
बैठा हुआ था। वेयरवुल्फ एकदम से बोल देता है, ये बच्चा हवा में उड़ रहा था। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बच्चा लाइट वेटेड है और एक्चुअली मैंने जो बच्चे को कपड़े पहनाए हुए हैं वो हीलियम से भरे हुए हैं और हीलियम अक्सर हवा में उड़ जाती है इसलिए। वो आदमी कहता है, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे बच्चे में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। तभी विंग डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं ये लोग उसके बच्चे को हार्म ना पहुंचा दें। विंग को काफ़ी गुस्सा आता है, उसकी आंखों का कलर भी हल्का सा चेंज होने ही वाला था कि तभी वहां पर किम की एंट्री होती है, जो कि कहता है, क्या कहा तुमने, वो उड़ रहा था। ओफो विंग, तुम भी ना लोगों को अभी भी ट्रिक करके डरा देते हो। तुम लोगों को नहीं पता ये एक मैजिशियन है और ये इस तरह के ट्रिक से अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। तुम भी कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है एक बच्चा हवा में उड़ सकता है। और किम वहाँ पर आता है और किम के साथ उसका पार्टनर भी होता है। वो अपने पार्टनर के हाथों में हाथ डाल के कह रहा होता है, कुकी देखो ना ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये लोग सोचते हैं कि विंग ने अपने बच्चे को ब्लैक मैजिक सिखाया, जबकि विंग कितना अच्छा है जादू में। और वहाँ पर वो उस बात को संभाल लेता है, विंग की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वो आता है, विंग के गले में गले लगाकर विंग को मिलता है और कहता है, तुम्हारा बेबी बहुत क्यूट है। विंग कहता है, तुम कहाँ थे इतने टाइम से किम, तुम किधर चले गए थे। ताहुंग, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, हमारी शादी में भी नहीं आए और तुमने मुझे कॉन्ग्रेट्स भी नहीं किया। तो किम हाय, ताहुंग कहता है कि मैं कहीं चला गया था और देखो मुझे वहाँ कौन मिला, कुकी मेरा पार्टनर, और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है कुकी बहुत क्यूट है, तुमसे भी ज़्यादा विंग। और वो कुकी के चीक्स पे किस करते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है जब मैं गुस्से में गया, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद थे विंग, लेकिन जब मैं वहाँ गुस्से से गया तो उसके बाद मैं अपने घर आया, तब मैं अपने बचपन के फ्रेंड कुकी से मिला और मुझे लगा कि कुकी एक बहुत प्यारा और स्वीट ओमेगा बन चुका है तुमसे भी ज़्यादा। यहाँ पर लंजा बहुत जेलस फील कर रहा था और वो बीच में आ रहा होता है तो एकदम से किम ताहुंग आके कहता है, ओ डोंट वरी, मैं तुम्हारे हस्बैंड पे लाइन नहीं मारूंगा, अब वो तुम्हारा है और मेरे पास कुकी है। वो कुकी के वेस्ट पे हाथ लगाते हुए कहता है, कुकी डार्लिंग, तुम्हें पता है मुझे विंग पे एक बार क्रश हुआ था और मैंने इनके ब्रेकअप की कोशिश भी की, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, बट मैं समझता हूँ प्यार को छीना नहीं जा सकता, तभी तो मुझे तुम पसंद आए। और देखो हम दोनों मैरिड हैं। वो कुकी और अपनी रिंग दिखाता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है, अभी हमने ऑफिशियली किसी को नहीं बताया है, जल्द हम भी शादी करेंगे। विंग कहता है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तो वह धीरे से विंग के कान में कहता है, आई नो तुम वैम्पायर हो। विंग पलके झपकाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। तो कुकी कहता है, क्योंकि मैं डीमन वर्ल्ड का किंग हूँ और ये मेरा डीमन वर्ल्ड से आया हुआ किंग टू यानी कि मेरी एम्प्रेस है और मैं अपनी कॉन्सोर्ट को कभी हैरान नहीं कर सकता। मेरे अंदर एक डीमन का ब्लड है और वैम्पायर में भी जो ब्लड होता है वो एक डीमन का होता है, इसलिए मैं तुम्हारी फ्रेग्रेंस से तुम्हें पहचान सकता था, इवन तुम्हारे हस्बैंड को भी, बट वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा जो ब्लड है वो बहुत हायर है वैम्पायर से। पर क्या करें, अब तुम्हें ये लो बोन वैम्पायर पसंद आया तो क्या करें, मेरे पास मेरा कुकी है जिसके साथ मैं काफ़ी खुश हूँ। विंग उसे ब्लेसिंग देता है और हैंडशेक करता है, जिसे देख के वांग जी मुंह बना रहा होता है। तो वो विंग से कहता है कि तुम लोगों का यहाँ रहना, जब भी मुश्किल हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ ड्रीम रियल्म ले जाऊँगा, वहाँ पर तुम लोग आसानी से रह सकते हो। लेकिन याद रखना, डीमन जो होते हैं वो बहुत पर्वर्ट होते हैं, कहीं कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट ना करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरे एक्स लवर को कोई और फ्लर्ट करे चढ़ाए। तो वांगजी जो है वो कहता है, बिहेव। तो वो वांगजी से कहता है, ओके ओके, एक्स लवर नहीं, एक्स बेस्ट फ्रेंड। और वो विंग को उसके चीक्स को हाथ लगाते हुए कहता है, तुम कितने चबी हो गए हो, ओ गॉश कितना मीट इकट्ठा हो गया तुम्हारे चीक्स पे। विंग शाय फील करता है। वांगजी उसके हाथ को हटाकर कहता है, डोंट टच माय हस्बैंड। किम जो है वो कहता है, ओके ओके ठीक है, वैसे कुकी देखो विंग काफ़ी क्यूट है ना। कुकी कहता है, बिल्कुल, और विंग का अल्फा हस्बैंड भी बहुत क्यूट है। यहाँ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और वो कहता है, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को कुछ कहा। तो कुकी कहता है, अच्छा मेरा हस्बैंड जब तुमसे फ्लर्ट करे
तो मैं नॉर्मल देखूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा हस्बैंड अच्छा लग रहा है तो तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? मैंने तो किम जब तुमसे फ्लर्ट कर रहा था जेलसी नहीं दिखाई। पिंक कहता है लंजा सिर्फ मेरा है, और वो लंजा को ज़ोर से पकड़ लेता है। लंजा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो लोग वहाँ पर एक अच्छी शाम बिताते हैं। वो लोग शिजे भी शादी में आई होती हैं जो कि न्यूली वेड थी। यहाँ पर जंगचा को भी एक पार्टनर मिल चुका होता है जो कि नी मिंगजू होता है, और कुकी ताइहुंग के साथ होता है। वी और कुकी की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही होती है, जिनको प्यार से नाम ताइकुक बुलाया जाता है, और ये लोग बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा वैम्पायर वॉन्शन का एंड हो जाता है। जी गाइस, ये लास्ट पार्ट था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। और जो मैं नई स्टोरी लेके आऊँगी उसमें मुझे किसी ने कहा था कि आप गैंगस्टर दिखाना हमारे वांगची को और विंग को, वो कहीं से रेस्क्यू कर ले, रेस्क्यू भी नहीं किडनैप करके ले आए। तो गाइस अब एक स्टोरी शुरू होने वाली है जिसमें गैंगस्टर वांगची है, मॉडर्न वर्ल्ड की है, और विंग जो है वो एक म्यूट है, घूंगा हुआ है, जिसे गलती से वांगची किडनैप कर लेता है कोई और समझ के, और देखते हैं इनके बीच प्यार कैसे शुरू होगा। तो नहीं है, अगर आपको स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये गैंगस्टर वांगशन स्टोरी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियोस को लाइक ज़रूर 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 करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।